नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएनओ कॉलर शो। एक लाइव कॉलर शो है और सिर्फ वायदा कारोबार से जुड़ी बात होती है इस शो में। अगर आप कोई भी रणनीति रखना चाहते हैं एफएनओ में, कोई ट्रेड लेना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी पोजीशंस ले रखी हैं मार्केट पे, तो बाजार के एक्सपर्ट से आप व्यू ले सकते हैं। आज आशीष चतुर्मोहता साहब सैंक्टम वेल्थ मैनेजमेंट से हमारी मदद करेंगे और जानने की कोशिश करूंगा मैं कि बाजार किस ओर जा सकता है, क्योंकि एक डायरेक्शनल व्यू नहीं निकल रहा है मार्केट पे, बहुत रेंज बाउंड मूवमेंट है। सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट कंसंट्रेशन है वो है 9700 की कॉल में, उसके बाद 9500 की पुट में, रेंज स्क्वीज होती चली जा रही है लेकिन सरेंडर नहीं कर रहा है मार्केट। निफ्टी फ्यूचर्स डिस्काउंट में हैं, बड़ी तेजी की संभावना कम है। जो सेक्टर तेज है वो है फार्मा, स्ट्रांग पुल बैक है। दो शेयर्स एफएनओ में आज बहुत एक्टिव है, एक यूनाइटेड स्पिरिट, दूसरा बीईएमएल, फाइनेंस एविएशन एग्री। ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहां पर आज के सत्र में तेजी बन रही है, लेकिन गिरावट आज के सत्र में बैंकिंग स्टॉक्स में, सरकारी बैंकिंग खेमा, यहां पर ज्यादा बिकवाली देखने को मिल रही है। आशीष चतुर्मोहता साहब मेरे साथ मौजूद हैं। आशीष जी, शुक्रिया अपना समय जी बिजनेस को देने के लिए। जैसे मैं कह रहा था कि बिल्कुल रेंज में फंसे हुए हैं आज, तो इनफैक्ट ये अगर 7 पॉइंट या फिर 20 पॉइंट डेली बढ़ने भी लगा तो बहुत स्ट्रांगली कमाई तो नहीं होगी निफ्टी पे, तो क्या माने, काउंटर स्पेसिफिक व्यू रखें और निफ्टी पे ऐसे ही एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखने को मिलेगी कुछ समय तक? गुड आफ्टरनून। बिल्कुल बिल्कुल सही फरमाया आपने कि अब जो मार्केट है वो बिल्कुल स्टॉक एंड सेक्टर स्पेसिफिक है। ब्रॉडर मार्केट्स जो है वो अगर से स्टेबल रहते तो ये भी एक अपने आप में एक अच्छा साइन है। अगर से निफ्टी रेंज बाउंड भी है तो इस ड्यूरेशन में एक अच्छा पैसा बन सकता है स्टॉक्स के अंदर में। डेफिनेटली मुझे लगता है इंडेक्स के टर्म्स पे शायद साइडवाइज ही ट्रेंड बना रहा है, बट बायस पॉजिटिव ही रहेगा। बायस के तौर पर मुझे लगता है इवेंचुअली अगर से कोई डिप आती भी है तो वापस बाजार 9750 वगैरह के लेवल्स को टेस्ट करने की पूरी कोशिश कर सकता है, तो इवेंचुअली मार्केट्स का सपोर्ट हमें मिलेगा। बट स्ट्रॉन्ग जो मूवमेंट है वो डेफिनेटली स्टॉक्स और सेक्टर्स के अंदर ही देखने को मिलेगा और वहीं पे हमें पोजीशंस बनाने का ध्यान रखना चाहिए। चलिए, इसी बीच पहले व्यूअर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संपत कोठारी साहब उदयपुर से लाइन पे मौजूद हैं। संपत जी नमस्कार, स्वागत है, पूछे क्या पूछना चाहते हैं आप? कब खरीदारी की थी सर, घाटा हो रहा है 8 रुपए का? अभी मतलब मई में की थी। अच्छा, रोल ओवर कर लिया मतलब आपने ये सौदा? हाँ, रोल ओवर कर लिया। अच्छा ठीक है, पूछ लेते हैं। आशीष जी रुकना चाहिए क्या, 168 का सौदा अभी 160 पे कट रहा है, लॉस है 8 रुपए का, कहीं ये बढ़ तो नहीं जाएगा? या फिर कोई सपोर्ट लेवल जो बहुत क्रूशियल सपोर्ट है उसके बाद इनको अपनी पोजीशन से एग्जिट करना होगा, कुछ ऐसा लेवल बता दीजिए। देखिए, अगर इंजीनियर्स इंडिया की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है काफ़ी स्ट्रेंथ में ये काउंटर है। डबल बॉटम का फॉर्मेशन बन चुका है नीचे पे, तो अब मुझे लगता है कि स्टॉक 156-157 के लेवल्स को बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पे मैं देखता हूँ और मुझे लगता है इवेंचुअली 167-168 के लेवल्स जो कि इनके बाय लेवल्स है वो 2 से 3 दिनों के अंदर में स्टॉक में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो मैं समझता हूँ पोजिशंस को होल्ड करना चाहिए और 157 का एक स्टॉप लॉस रख के मुझे लगता है 2-3 दिन अगर से होल्ड करते तो एक अच्छा अप मूव इस स्टॉक में करंट लेवल से देखने को मिल सकता है। चलिए, इसी बीच हमारे साथ एक और व्यूअर जुड़े हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए, समरेंद्र जी दिल्ली से मौजूद हैं। समरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार सर। हाँ जी पूछे सर, क्या पूछना चाहते हैं? हमने एसबीआई का जून का 310 का कॉल लिया था 6.7 पे, 20 पॉइंट ऊपर की कॉल ले ली, 6.7 की 7.7 का, अच्छा 1.5 रुपए पे हो गई सर। अब 310 की है ना, तो ये हो गई अभी 2.5-3 रुपए के आसपास कट रही है अभी, तो ये क्या करना है सर आगे का? हाँ, एक बार फिर से पूछ रहा हूँ सर, 310 की है ना, 290 की तो नहीं है कहीं? नहीं, 290 की। अच्छा, तो ये तो फिर आपका सौदा अब तो ठीक लग रहा है देखने में, अभी आप 310 की बात कर रहे थे, 290 की 7.5 रुपए में खरीदिए, 9 रुपए के आसपास कट रही है अभी, होल्ड करना चाहिए क्या यहाँ पर? आशीष 7.5 रुपए की खरीद है, 290 की कॉल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बहुत स्ट्रांगली बिकवाली हो चुकी है, क्या पुल बैक के चांसेस हैं सर? हाँ बिल्कुल है, 294-295 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, उन लेवल्स के आसपास इस ऑप्शन का जो भी प्रीमियम हो उस समय उन लेवल्स पे प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए, तो मुझे लगता है यहाँ से 4-5 रुपए की बढ़त स्टॉक करेंट लेवल से दिखा सकता है। चलिए, इसी बीच एक एक्सक्लूसिव खबर आ रही है जी बिजनेस की और वो IDBI के संदर्भ में है, IDBI बैंक, इसके ऊपर अपडेट देने के लिए मेरे साथ इसमें मेरे सहयोगी आलोक मेरे साथ मौजूद हैं। IDBI बैंक में रिकवरी की जो कोशिशें हैं वो तेज़ हो गई हैं अब। आलोक बताएं क्या एक्सक्लूसिव खबर है आपके पास?
बिल्कुल, देखिए आईडीबीआई बैंक का अपना एक प्लान बनाया है आईडीबीआई बैंक ने, अगले 6 महीने में ये कहा जा रहा है, इसको टर्न अराउंड प्लान कहा जा रहा है, और ख़ास तौर से ये तब हो रहा है जब बैंकिंग अध्यादेश जो लागू हो गया है उसके बाद से बैंक के मैनेजमेंट में एक तरह से कहें उम्मीद की किरण जगी है, उम्मीद जगी है कि जो उनकी कोशिशें हैं वो रंग ला सकती हैं, अगले 6 महीने में नतीजे लाने का दबाव है, और इसी के मद्देनज़र ये पूरा प्लान चौकआउट किया गया है। इसमें सबसे पहली जो कोशिश ये की जा रही है कि जितना भी रियल एस्टेट यानी नॉन कोर एसेट्स है बैंक के पास उसको बेचा जाए, तत्काल बेचा जाए, और उसमें बेचने का प्रोसेस शुरू भी कर दिया है। हमारी जानकारी के मुताबिक आईडीबीआई बैंक के सिर्फ मुंबई में ही करीब 600 प्रॉपर्टीज हैं, खास तौर से रियल एस्टेट में, तो उसमें से इन फ्लैट्स को बेचा जाए, और जॉली मेकर टावर्स में 36 ऐसे फ्लैट्स हैं जिनकी कीमत कई करोड़, मतलब कह सकते हैं 6 से 7 करोड़ के आसपास है। तो ये जो वैल्यू है आईडीबीआई बैंक के पास नॉन कोर एसेट्स में, इसको तत्काल बेचने का प्लान बैंक ने शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो दूसरी कोशिश हो रही है वो हो रही है जितने भी देश भर में ऑफिसेज हैं उनको शिफ्ट करके, अभी तक देखें तो आईडीबीआई बैंक के देश में हर प्राइम लोकेशन पर ऑफिसेज हैं, कॉरपोरेट ऑफिस, जोनल ऑफिसेज, लेकिन अब कोशिश ये की जा रही है कि कॉरपोरेट ऑफिस को छोड़कर बाकी जितने भी देश में जोनल ऑफिसेज हैं उनको ब्रांच में शिफ्ट किया जाए, और जो प्राइम लोकेशन यानी महंगे लोकेशन वाले ऑफिसेज हैं उनको शिफ्ट किया। और मेरी जो जानकारी इस वक्त मिली है जो यहाँ पर रेड क्रॉस सोसाइटी के बिल्डिंग में जो आईडीबीआई का ऑफिस है 5 फ्लोर का ऑफिस है, उसमें से 3 फ्लोर को खाली करा लिया गया है, और अभी 2 फ्लोर में से 1 फ्लोर और को भी शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा झंडेवालान में भी बहुत बड़ा ऑफिस है आईडीबीआई बैंक का, चंडीगढ़ में बहुत बड़ा ऑफिस है, तो इन सब ऑफिसेज को, जोनल ऑफिसेज जो बहुत ही प्राइम लोकेशन पर हैं, काफ़ी महंगे हैं, उनको भी शिफ्ट करके ब्रांच ऑफिसेज में करने की कोशिश की जा रही है, और इसके जरिए रियल नॉन कोर एसेट्स बेच के करीब 2500 करोड़ कंपनी जुटाएगी, और इन जो ऑफिसेज हैं जोनल ऑफिसेज इनको शिफ्ट करके करीब 240 करोड़ बैंक जुटाएगी। तो ये प्लान है फिलहाल बैंक का, और इसके अलावा और भी कई सारे मैकेनिज्म पे ध्यान दिया जा रहा है जिसमें क्रेडिट अप्रेजल है, साथ ही साथ जो रिकवरी मैकेनिज्म है, इन सबको कोशिश किया जा रहा है कि और दुरुस्त किया जाए। बैंकिंग अध्यादेश जब से आया है तब से आरबीआई के साथ मिलकर आईडीबीआई का मैनेजमेंट लगातार काम कर रहा है, और रिकवरी प्रोसेस जो है, रिकवरी मैकेनिज्म को भी और कारगर बनाने की कोशिश चल रही है। इसके अलावा और भी कई सारे मोर्चों पर काम किया जा रहा है आईडीबीआई बैंक के मैनेजमेंट के जरिए, और खासतौर से देखें तो सरकार की जो हिस्सेदारी है 74% की, उसको घटाने के लिए सरकार ने पहले ही वायदा किया था, लेकिन कई मोर्चों पर काम किया गया। हमने पहले भी बताया था कि सरकार QIP के जरिए स्टेक सेल बेचने की कोशिश कर रही थी, फंड मैनेजर्स भी अपॉइंटमेंट हो गए, लेकिन वो बात सिरे चढ़ी नहीं। तो अब जो सरकार बैंक के मैनेजमेंट पर खुद पर दबाव है कि वो कोई ऐसा कुछ करे कि जिससे कि आईडीबीआई की सेहत में सुधार हो। राइट, ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी खबरें बता दी आईडीबीआई के संबंध में, लेकिन जो क्लियर कट फोकस है वो इस समय 2500 करोड़ रुपए बैंक जुटा सकता है नॉन कोर एसेट्स बेचकर और जोनल ऑफिस शिफ्ट कर 240 करोड़ रुपए बचाने की खबरें हैं। आलोक, शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए, लेकिन एक बार एक टेक आपका आशीष चित्रमोदा साहब इस पे भी चाहिए आईडीबीआई बैंक पे। देखिए बैंकिंग स्टॉक्स टूटे आज के सत्र में, लेकिन खबर जो है वो आईडीबीआई बैंक के लिए पॉजिटिव है, जो अभी एक्सक्लूसिव खबर मेरे सहयोगी बता रहे थे। ये स्टॉक निचले स्तरों से कुछ पुल बैक दे सकता है क्या? देखिए दे भी सकता है, तो इसको इग्नोर करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह का सेल ऑफ स्टॉक ने दिखाया है उसके अंदर में ऊपर के किन स्तरों पे सडन सेलिंग हमें देखने को मिलेगी ये कहना मुश्किल है। तो जब इस तरह की रिस्क किसी स्टॉक में बनती नजर आए तो मैं समझता हूँ उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो इग्नोर कीजिए। अगर से आपके पास पोजिशन होल्ड है तो डेफिनेटली मैं सिर्फ ये सलाह दे सकता हूँ कि 58 का एक स्टॉप लॉस रख के उसको होल्ड कीजिए। हो सकता है पुल बैक में आपको 65-66 के लेवल्स का भी देखने को मिले, बट उसके लिए 58 का स्टॉप लॉस रखना काफी जरूरी होगा। चलिए इसी बीच एक और व्यूअर मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल लेते हैं। आप अतुल जी अमृतसर से लाइन पे मौजूद हैं। अतुल जी नमस्कार, स्वागत है, पूछिए सर क्या पूछना चाहते हैं। सर आई हैव बॉट निफ्टी इन मनी कॉल्स 9600 एट द स्ट्राइक प्राइस ऑफ 120.10। अच्छा, 6 लॉट लिए इसके 120 पे 6 लॉट 9600 की कॉल के। देखिए प्रीमियम इस समय काफ़ी ज़्यादा है इस पर्टिकुलर कॉल का, क्योंकि ये है इन द मनी। और चलिए फिर भी पूछ लेता हूँ, देखिए कुछ कह नहीं सकते, आशीष जी बेहतर बता पाएंगे। आशीष जी लगता है कि ये जो सभी अगर ग्रीक्स को जोड़ लिया जाए तो ये जो 120 की एक वैल्यू 126 पे जो ये रूल कर रहा है ये 9600 की कॉल, ये इसकी फेयर वैल्यू लगती है आपको, या फिर थोड़ा कॉस्ट जो है वो जो प्रीमियम है थोड़ा हैवी कमांड कर रही है इस समय 9600 की कॉल, होल्ड करना चाहिए क्या इस सौदे को?
नहीं देखिए, होल्ड तो बिल्कुल कर सकते हो, और इन द मनी कॉल ऑप्शन लिए तो डेफिनेटली थोड़ी महंगी तो आपको मिलेगी, पर इम्पोर्टेंट बात है कि जो मार्केट का ट्रेंड है वो इनके जो ट्रेड है उसके फेवर में बनता हुआ नजर आ रहा है, तो मुझे लगता है होल्ड करना चाहिए। मैं समझता हूँ अगर से बाजार जो है वो 9600 के लेवल्स को ब्रीच करता है तभी इस कॉल ऑप्शन की पोजिशन से एग्जिट करना चाहिए। मैंने निफ्टी फ्यूचर्स के लेवल के हैं, तो अगर से निफ्टी फ्यूचर्स 9600 के लेवल्स को ब्रीच करता है तो उस समय पर इस कॉल ऑप्शन से एग्जिट किया जा सकता है। अदरवाइज मुझे लगता है ये जो प्रीमियम है 125 का वो 155-160 तक जा सकता है, उन लेवल्स के आसपास मैं प्रॉफिट बुकिंग इसके अंदर एडवाइस करूंगा। चलिए, तो अगर इसका प्रीमियम जो अभी 126 रुपए है 9600 की कॉल का 155 या फिर 160 होता है तो अपने सौदे से एग्जिट कर जाइएगा। सर इसको ज्यादा होल्ड करने की इस समय तो प्रोबेबिलिटी नहीं लगती है, पर 155-160 के आसपास आपको एग्जिट करना होगा। यहाँ पर अच्छा मुनाफा तब भी आपको मिल जाएगा क्योंकि आपकी क्वांटिटी हैवी है। मेरे साथ इसी बीच आनंद जी कोलकाता से मौजूद है। आनंद जी नमस्कार। सर मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ, आनंद शर्मा। हाँ जी बताइए सर सवाल। सर पहले तो आप लोग का थैंक्स, और मैंने ITC की 300 की पुट ली है सर 5.60 रुपए पे 30 पैसे, तो उसका क्या करूँ थोड़ा सा बता सकते हैं, और इस मंथ में कौन सी मैंने ऑप्शन बेस पे कॉल या पुट में बेस्ट रही पर वो तो आपको शो के आखिर में पता लगेगा। आशीष जी कॉल भी देंगे, सुबह भी उन्होंने बताया था पिरामल एंटरप्राइजेस चढ़ेगा, स्टॉक में एक्टिविटी तेज हो रही है, लेकिन ITC आपने पुट खरीदी है 5.50 रुपए के आसपास, पहले इस पे व्यू दे दें। पर एक सवाल मेरा ये भी होगा आपसे, सर आपने FMCG का ट्रेंड देखा है पिछले कुछ दिनों में काफी स्ट्रॉन्गली बढ़त आ रही है ITC, HUL और ब्रिटानिया जैसे स्टॉक्स में, कोई स्पेसिफिक कारण है क्या स्टॉक की पुट खरीदने का? होल्ड करने फंस गया था सर, उसीलिए उसका आगे इसका ITC का कॉल भी अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ या फ्यूचर में अगर ले लूँ तो उसको पोजीशन हेज हो सकती है क्या? नहीं एक बार मैं पूछ लेता हूँ, पहले तो इसी पोजीशन के पूछ लेता हूँ। आशीष जी बताएं, 300 की पुट है 5.50 रुपए पे खरीदी और यहीं पर ही चल रही है अभी, इसको होल्ड करना चाहिए क्या? देखिए इसमें से निकल जाना ही एडवाइजेबल रहेगा क्योंकि ओवरऑल जैसे आपने अभी ऑलरेडी कहा काफ़ी एक पॉजिटिव ट्रेंड FMCG के अंदर बना हुआ है, और उसमें खास तौर पे ITC इसके अंदर तो काफ़ी मजबूत हमने देखा है, डिलीवरी बेस्ड बाइंग भी आई है और साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट में भी इजाफा काफ़ी हुआ है। लास्ट एक दो दिन में ज़रूर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर फिर जो लोग फंसे हुए शॉर्ट्स में वो इससे निकल सकते हैं, तो मैं समझता हूं ये पुट से आप अगर से एग्जिट करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऊपर में ओवरऑल मुझे लगता है ये स्टॉक धीरे धीरे 320-322 तक जा सकता है, बट एक दो दिन साइडवेज रहे, इसलिए मैं अभी ये नहीं रिकमेंड करूंगा कि कॉल ऑप्शन आप ले, बट डेफिनेटली पुट ऑप्शन से इस समय एग्जिट होना चाहिए क्योंकि हो सकता है स्टॉक अगर से इन्हीं स्तरों पे 2-3 दिन रहता है तो कॉल और पुट दोनों का ही प्रीमियम उस सिचुएशन में गल सकता है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए इस नोट पे रुक रहे हैं, जब लौटेंगे तो कुछ और स्टॉक्स पे बात करेंगे। आपके सवाल उसके ऊपर आशीष चंद्रमुदा लगातार एडवाइस दे रहे हैं। निफ्टी में सबसे ज्यादा बढ़ा आज M&M और साथ साथ इंडिया बुल्स हाउसिंग, इन दोनों स्टॉक पे 4-5% के रिटर्न बन चुके हैं और अब 9635 के लेवल पे है निफ्टी। छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद आज का सौदा भी होगा।